दोस्तों, आप जब भी कोई जॉब के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ता है एक रिज्यूमे यानी कि बायोडाटा, कई कई लोग इसको सीवी भी कहते हैं। तो ये सीवी में आपके बारे में सब कुछ लिखा रहता है। तो एक बात है ना हिंदी में, पहले दर्शन दरी फिर गुण बिचारी, तो ये दर्शन दरी का काम ये सीवी करता है। ओके, आपके बारे में सब कुछ लिखा रहता है इस सीवी के अंदर, और ये प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ये सीवी आप बनवाने के लिए आप जाते हो साइबर कैफ़े में, साइबर कैफ़े में पैसा देते हो, आप बनवाते हो, लेकिन अंत में आप देखते हो कि ये सीवी में कुछ खाली रह गया, ये होता तो अच्छा होता, ये नहीं होता तो अच्छा होता, ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर चुके होंगे। तो मैं इसका सॉल्यूशन आज लेके आया हूँ। आप एक चुटकी के अंदर आप सीवी बना सकते हो, ऑनलाइन खुद बना सकते हो, और पीडीएफ निकल सकते हो। पीडीएफ आप प्रिंट करके आप रिज्यूम को आप पेश कर सकते हो कोई भी जॉब में। तो ये पूरे जो स्किल्स है ये पूरे आपके ऊपर है, आप कितने टाइम दोगे, आप कितने टाइम से बनाओगे, ये आपके ऊपर है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एकदम प्रोफेशनल लुकिंग रिज्यूम बनाने के लिए आपको सबसे पहले चले आना है resumemaker.online ये साइट पर। चलिए मैं टाइप करता हूँ resumemaker.online ये साइट पर आपको चले आना है। और ये साइट का सबसे खास बात यह है कि ये टोटली 100% फ्री है, और कोई भी साइन अप आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। सिंपली आप ये वेबसाइट पर आएंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, और डिज़ाइन माई रिज्यूम पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। आप यहाँ पर देखिए, सारा कुछ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कलर से लेके आप सारा कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कलर ऑप्शन है, यहाँ पर आप कलर पिंक रख सकते हैं, यहाँ पर ग्रीन रख सकते हैं, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आप यहाँ पर कलर चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यही रखता हूँ। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर टेक्स्ट फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अपने ख्याल से आप चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर टेक्स्ट साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, छोटा, बड़ा, मिडिल। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो है सेक्शन वाला सेटिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अपने पिक्चर लगा सकते हो, आपके कोई भी पिक्चर हो आप यहाँ पर लगा सकते हो। यहाँ पर जो सारा कुछ है ना, आप सारा कुछ यहाँ पर एडिट कर सकते हो। यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स लिखा है, आप कुछ और लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ पर बर्थ डेट, यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पर देखिए योर नेम, और ये प्रोफेशनल और स्पेशलिटी यहाँ पर नीचे छोटे छोटे आप लिख सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पर नहीं लिखा जाए तो अच्छा होगा, तो यहाँ पर जाइए सेक्शन वाला ऑप्शन में, और यहाँ पर प्रोफेशन एंड स्पेशलिटी जो ऑप्शन है इसको आप ऑफ कर दीजिए। देखिए ये चला गया है। इसलिए मैं कहा था कि ये सेक्शन वाला ऑप्शन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी ऐड भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है स्किल वगैरह, तो आप यहाँ से जोड़ सकते हो मेन स्किल। यहाँ पर आप जोड़ सकते हो, एक भी जोड़ सकते हो, दो भी जोड़ सकते हो। देखिए आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो कि आप फोटो एडिटिंग अच्छा कर सकते हो, तो फोटो एडिटिंग आप लिखिए यहाँ पर फोटो एडिटिंग, और यहाँ पर आपको रेटिंग दीजिए कि मैं फोटो एडिटिंग 75% अच्छा कर सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे ही आप लिखिए, आपके ऊपर है, यहाँ पर आप लिख सकते हो फोटो एडिटिंग स्किल, फोटो एडिटिंग स्किल्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप एडुकेशन क्वालिफिकेशन दे सकते हो, आपके डिग्री जो भी है आप यहाँ पर दे सकते हो, स्कूल का नाम, और कब से कब तक, यहाँ पर फ्रॉम से अंटिल है आप दे सकते हो। और यहाँ पर एडुकेशन आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। देखिए ये प्लस वाला ऑप्शन है, ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐड होते जा रहा है। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, आपके मर्जी से आप जितना भी ऐड कर सकते हैं आपके एडुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, माइनस वाला ऑप्शन पर जाकर देखिए डिलीट होते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका नाम यहाँ पर आप दे सकते हो, यहाँ पर
डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो, नेशनलिटी, एड्रेस। और यहाँ पर देखिए आप सेक्शन वाला ऑप्शन पे जाइए, देखिए यहाँ पर म्यूचुअल स्टेटस भी है, आप चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हो म्यूचुअल स्टेटस। आप यहाँ पर नीचे देखिए कॉन्टैक्ट सिर्फ दो है, आपका ईमेल और फ़ोन नंबर। आप यहाँ पर जाकर सेक्शन वाला ऑप्शन पर जाकर आप स्काइप, वेबसाइट, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप सब कुछ यहाँ पर जोड़ सकते हो। आप चाहते हो नहीं ये सब नहीं रहे मेरे रिज्यूम में तो यहाँ पर आप हटा भी सकते हो। ओके, यहाँ पर आप और भी जोड़ सकते हो, यहाँ पर स्किल्स जो है स्किल्स वगैरह आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हो। ऐसे रेटिंग भी दे सकते हो आप, आपका कितना स्किल अच्छा है और बुरा है, आप खुद ही रेटिंग यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। सेम वही प्रोसेस जैसा एडुकेशन में था, यहाँ पर आप जोड़ भी सकते हो और यहाँ पर आप हटा भी सकते हो, अपने मर्जी से आप सारा कुछ यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप चाहते हो कि ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका ये रिज्यूम में नहीं रहे तो यहाँ पर सेक्शन वाले ऑप्शन पे जाइए और ये प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर दीजिए। हो गया, चला गया, ऐसे करके आप कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए A4 साइज में सेलेक्ट करके रखा हूँ, आप यहाँ पर लेटर साइज कर सकते हो, लीगल भी कर सकते हो। फिलहाल मैं A4 ही रखता हूँ। और मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक रिज्यूम बनाया था, बहुत ही कम टाइम में, मैं ज़्यादा छोड़छाड़ नहीं किया हूँ और मैं बनाया था। सारा डिटेल्स मैंने नहीं डाला है उस रिज्यूम में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके पहले मैं आपको बता दूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। आप यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे, आपके नेम, आपके पिक्चर सब कुछ देकर आप लिखेंगे और यहाँ पर देखिए प्रीव्यू कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जो बना है वो कैसा बना है, ऐसा कुछ प्रोफेशनल लुकिंग देगा, देखिए कितना सुंदर। और यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड PDF का ऑप्शन है, आप सिंपली इसमें क्लिक कीजिए डाउनलोड PDF। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है और ये कुछ नहीं है, डोनेट करने के लिए बोल रहा है, नहीं हो नहीं यहाँ पर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ ऐसा करके डाउनलोड हो जाएगा। मैं पहले से एक बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये मेरा जो PDF है, मैं एग्जांपल के तौर पर बनाया था, मैंने कुछ छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं किया है, तो आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल लुकिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसको प्रिंट करवा लीजिए और आपका रिज्यूम जो है आपका तैयार हो जाएगा और प्रोफेशनल लुकिंग आपको ये दे देगा और सिंपली है। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।